बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल। ई लर्निंग क्लास 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, यूनिट 12.3, पार्ट 4। आई एम नुज़हत आसिफ। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ आई। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैकेनिज्म ऑफ विजन विच इज़ गिवन ऑन पेज 42 ऑफ योर बुक। सो लेट अस रीड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ विजन। हम देखने के काबिल कैसे होते हैं। द लाइट रेज कमिंग थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस मेक एन इमेज ऑन द रेटिना। कहते हैं सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो रोशनी हमारे कॉर्निया से और लेंस से टकराती है वो एक अक्स बनाती है इंटरनल आई यानी रेटिना के ऊपर आकर। आपने डायग्राम में रेटिना देखा था। दिस इज़ रेटिना, द थर्ड लेयर आपको मेंशन हुई थी। द फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट इज़ रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स इन द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द रेटिना। सबसे पहले क्या होता है कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो मैंने आपको बताए थे कि दो किस्म के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं आई रेटिना के अंदर, एक रॉड सेल्स जो कि डिम लाइट में देखने में मदद देते हैं और एक कोन सेल्स जो कि रोशनी में देखने में मदद देते हैं। ये एक नर्व इम्पल्स या करंट वेव प्रोड्यूस करते हैं रेटिना से, जो कि जाती है रेटिना से मैसेज लेकर जाती है। द एक्सॉन ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये एक्चुअली इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, आपके पास जो नर्व बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, वो ये मैसेज असल में लेकर जाते हैं न्यूरॉन के अंदर। यानी सबसे पहले लाइट जो कॉर्निया में दाखिल होती है वो फिर लेंस के अंदर जाती है, और लेंस से वो लाइट रेटिना के अंदर आती है जहाँ पर रॉड और कोन सेल्स उस लाइट को करंट वेव में तब्दील कर देते हैं, और वो करंट वेव जो है वो उस मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाती है। द एक्सॉन ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व। यही इसी के एक्सॉन्स एंड रॉड और कोन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं वही हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। द ऑप्टिक नर्व कैरीज इंफॉर्मेशन, और यही ऑप्टिक नर्व फिर ये मालूमात जितनी भी आपकी आई ने रिसीव की थी उसको ले जाती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स एक करंट वेव की सूरत में फ्रॉम रेटिना, रेटिना से टू द सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन, आपके लार्जेस्ट पार्ट यानी सेरेब्रम की तरफ, जो फोर ब्रेन का पार्ट है और जो कि आपके विजन को एनालाइज करता है और आपको बताता है। हेयर द इम्पल्स आर प्रोसेस्ड। यहाँ पे वो जो करंट वेव आई होती है नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व लेकर आती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है यानी उसका एनालिसिस किया जाता है, उस पर जजमेंट करता है ब्रेन टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंसेशन, ताकि आपको बामानी एहसास हो सके कि आपने क्या चीज़ देखी है, ऑफ द शेप एंड कलर यानी किस शक्ल की चीज़ देखी है और किस रंग की चीज़ देखी है। यानी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजन बता रहे हैं कि सबसे पहले लाइट आई कॉर्निया में, कॉर्निया के बाद वो लेंस के अंदर गई, लेंस से वो रेटिना में शिफ्ट हो गई, रेटिना में रॉड एंड कोन सेल्स ने उस जो भी आपके पास इमेज आया है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक ऑप्टिक नर्व में, वो ऑप्टिक नर्व जो है वो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन तक गई, और वहाँ पे उस पर प्रोसेसिंग के बाद आप देखने के काबिल हुए कि आपने किस शेप और किस कलर की चीज़ देखी थी। अब स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम करता है तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिफेक्ट्स भी हो जाया करते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। हमारे पास आपको बता रहे हैं सेम पेज 42 पे कि आईज सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। हमारी आईज एक वक्त में बहुत सारी मालूमात हमारे ब्रेन को भेजती हैं। समटाइम्स अ डिफेक्ट अकर्स इन द वर्किंग ऑफ द आई, लेकिन कभी कभी कोई नुक्स पैदा हो जाता है आई के ऑटोमेटिक फंक्शन में, विच कॉजेज ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ द पर्सन, जो किसी भी जो देखने वाला है उसकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स आर सीरियस, कई इनमें से जो नकाइस होते हैं बहुत संजीदा नौयत के होते हैं, एंड लीड टू ब्लाइंडनेस और अंधापन कॉज कर सकते हैं। बट सम डिसऑर्डर्स आर इजीली क्यूरेबल, लेकिन कुछ नकाइस ऐसे होते हैं जो कि आसानी से काबिले इलाज होते हैं। टू डिसऑर्डर्स जनरली नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस आर वेरी कॉमन। इनमें से दो नकाइस ऐसे हैं जिनको आमतौर पर हम दूर की नज़र कमज़ोर होना या नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना यानी लॉन्ग साइटेडनेस, और शॉर्ट साइटेडनेस यानी दूर की नज़र कमज़ोर होना कहते हैं। इन दीज डिसऑर्डर्स द लेंस ऑफ द आई इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट इटसेल्फ। इन दोनों नकाइस में लेंस इस काबिल नहीं रहता कि वो लाइट को आई के अंदर एडजस्टमेंट कर सके, उसको फोकस कर सके इटसेल्फ टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना और रेटिना पे इमेज बना सके। यानी कॉर्निया और लेंस जो भी इमेज रिसीव करते हैं वो रेटिना पे ठीक नहीं बनता, हेंस द विजन इज डिस्टर्ब्ड, और इस तरह से इंसान की विजन जो है वो ख़राब हो जाती है।
नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज ऑन पेज 43. सबसे पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी दूर की नज़र कमज़ोर होना. शॉर्ट साइटेडनेस मीन नज़दीक देख सकना और दूर की नज़र कमज़ोर होना. इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं. शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस इज एन आई डिसऑर्डर. ये एक आँख का ऐसा नुक्स है इन विच अ पर्सन कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जिसमें इंसान नज़दीकी चीज़ को वाज़े तौर पर देख सकता है, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर दराज की चीज़ें आर नॉट क्लियरली विजिबल, वो आसानी से दिखाई नहीं देती. टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड मायोपिया. तकनीकी एतबार से इस नुक्स को मायोपिया कहा जाता है, या साइंस की जबान में हम इसे मायोपिया कहते हैं. इट इज़ कॉज बाय एन अनयूजुअली लॉन्ग आई बॉल. ये इसका सबब होता है. हम अगर कॉजेज़ की बात करें तो शॉर्ट साइटेडनेस का सबसे बड़ा कॉज जो है वो बाय बर्थ लॉन्ग आई बॉल का होना है. इन शॉर्ट साइटेडनेस लाइट रेज डू नॉट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द रेटिना. इस नुक्स के अंदर शॉर्ट साइटेडनेस में, यानी दूर की नज़र कमज़ोर होने में, लाइट रेज जो हैं वो रेटिना पे ठीक से फोकस नहीं हो पाती हैं, इमेज नहीं बना पाती हैं. रादर इसके बरक्स क्या करती हैं, द रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बल्कि वो रेटिना से बहुत पहले ही एक इमेज फॉर्मेशन कर देती हैं, अक्सबंदी कर देती हैं. सिंस द लाइट इज़ फोकस टू अर्ली, क्योंकि लाइट जो है वो बहुत जल्दी फोकस हो जाती है, अ ब्लर्ड इमेज इज लेफ्ट ऑन द रेटिना, इसीलिए रेटिना पे एक धुंधला अक्स बनता है. दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड. इस मसले को दूर किया जा सकता है. रेक्टिफाइड मीन्स दूर करना, सॉल्व करना प्रॉब्लम को, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस इन ग्लासेस. अगर ऐनक के अंदर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाए, और इन कॉन्टैक्ट लेंसेज, या फिर ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने जाएं जिनमें कनकेव लेंस लगा होता है. कनकेव लेंस इंश्योर्स, कनकेव लेंस इस बात को इस काबिल बना देता है दैट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई, कि लाइट जो है वो पहले इमेज बनाने के बजाय एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन या अक्सबंदी करे, सो दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अपीयर ब्लरी, ताकि जो हम दूर की चीज़ें देखते हैं वो धुंधली अक्सबंदी ना कर सकें, बल्कि हमें क्लियरली विजिबल हों. शॉर्ट साइटेडनेस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड विद लेज़र आई सर्जरी. लेकिन अगर दूर की नज़र कमज़ोर होने का मसला ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर डॉक्टर लेज़र आई सर्जरी भी सजेस्ट कर सकता है, ताकि जो एलोंगेटेड आई बॉल है उसे करेक्ट शेप में लाया जा सके. इन लेज़र आई सर्जरी अ लेज़र इज़ यूज टू रीशेप द कॉर्निया टू करेक्ट इट्स कर्व, ताकि जो कॉर्निया का कर्व है, अल्लाह ताला ने नेचुरल कर्व बनाया हुआ है, उसको उसकी रीशेपिंग की जा सके, उसको ठीक किया जा सके. देयरफॉर लाइट इज़ बेटर फोकस्ड ऑन द रेटिना. इस तरीके से लाइट अच्छे तरीके से रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन कर सकती है. ये तो था हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस, यानी दूर की नज़र कमज़ोर होना. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट इज़ लॉन्ग साइटेडनेस. नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना क्या होता है. लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर देख सकना और नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना, इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं. इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. ये एक ऐसा नुक्स है आँख का जिसमें इंसान दूर की चीज़ तो वाज़े तौर पर देख सकता है, बट द क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, लेकिन नज़दीक की चीज़ें उसे वाज़े दिखाई नहीं देती. द डिसऑर्डर इज कॉज्ड, ये नुक्स तब पैदा हो जाता है व्हेन द आई बॉल इज़ टू शॉर्ट. अगर आई बॉल बहुत छोटा हो, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो, और द शेप ऑफ द लेंस इज़ नॉट राउंड, या फिर कुदरती तौर पे बाय बर्थ लेंस की शेप राउंड ना हो बल्कि थोड़ी सी ख़राब हो. टेक्निकली दिस डिसऑर्डर इज़ नोन एज हाइपरमेट्रोपिया. तकनीकी एतबार से इस नुक्स को हाइपरमेट्रोपिया, या साइंस की ज़बान में हम इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. आपने देखा शॉर्ट साइटेडनेस इज़ कॉल्ड मायोपिया एंड लॉन्ग साइटेडनेस इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. इन लॉन्ग साइटेडनेस लाइट रेज डू नॉट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ द रेटिना. इस नुक्स में भी लाइट रेज जो हैं वो रेटिना पर शॉर्ट साइटेडनेस की तरह फोकस नहीं कर पाती, इमेज नहीं बना पाती हैं. रादर द रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना. लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस के बरक्स यहाँ पे जो अक्सबंदी होती है वो रेटिना के पीछे जाकर होती है. याद रहे कि शॉर्ट साइटेडनेस में हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना के आगे होता है, फ्रंट पे होता है. लॉन्ग साइटेडनेस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे जाकर इमेज फॉर्मेशन होती है. सिंस द लाइट इज़ फोकस बिहाइंड द रेटिना, इसीलिए लाइट भी फोकस करती है रेटिना के पीछे. अ ब्लर्ड इमेज इज़ लेफ्ट ऑन द रेटिना, और अगेन हमारे पास रेटिना पे एक धुंधली अक्सबंदी हो जाती है. लॉन्ग साइटेडनेस इज रेक्टिफाइड. इस मसले को हल किया जा सकता है बाई यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इन ग्लास और इन कॉन्टैक्ट लेंस. शॉर्ट साइटेडनेस के बरक्स लॉन्ग साइटेडनेस में हम कन्वेक्स लेंस की ग्लासेस ऐनक में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बाहर को उभरा हुआ होता है, जबकि कनकेव लेंस जो है वो हमारे पास अंदर को गहरा होता है. कॉन्वेक्स लेंस इंश्योर्स दैट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई.
कॉन्वेक्स लेंस इस बात की यकीन दहानी कराता है कि बिल्कुल ठीक लाइट फोकस हो रेटिना के ऊपर, सो दैट क्लोज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अपीयर ब्लरी, ताकि जो नज़दीकी चीज़ें हैं उनको देखने में धुंधला इमेज ना फॉर्म हो। लॉन्ग साइटेडनेस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड विद लेज़र आई सर्जरी, लेकिन अगर ये नुक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हद से ज़्यादा छोटा आई बॉल हो या लेंस की शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो, राउंड ना हो, तो लेज़र आई सर्जरी भी डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। इन लेज़र आई सर्जरी अ लेज़र इज़ यूज टू रीशेप द कॉर्निया। इस सर्जरी के अंदर लेज़र शॉ के ज़रिए से कॉर्निया को रीशेप किया जाता है, उसकी दोबारा से शेप ठीक की जाती है एंड इम्प्रूव द कर्व, और उसके कर्व को बेहतर बनाया जाता है। देयरफॉर लाइट इज़ बेटर फोकस्ड ऑन द रेटिना, ताकि रेटिना के ऊपर बेहतरीन अक्सबंदी हो सके। यू कैन सी क्लियरली इन द डायग्राम दिस डिफेक्ट। स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम, हमें एक नॉर्मल डिस्टेंट विजन दिखाई गई है जिसमें हम देख रहे हैं कि लाइट आई किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वो कॉर्निया में दाखिल हुई, कॉर्निया से वो लेंस में दाखिल हुई और लेंस से रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज फॉर्मेशन हो गया। सीलियरी बॉडी ने लेंस को बड़े बेहतरीन तरीके से और सीलियरी लिगामेंट्स ने और सीलियरी बॉडी ने लेंस को उसकी जगह पे होल्ड किया हुआ है। लेकिन जब शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है तो आप देखें कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके जब आई के अंदर दाखिल हुई तो आई बॉल एलोंगेटेड होने की वजह से लाइट स्ट्राइक किया कॉर्निया से, लेंस से, और फिर इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये देखें रेटिना यहाँ है लेकिन इमेज फॉर्मेशन उसके आगे हो रही है, जिसकी वजह से ब्लरी इमेज इज़ फॉर्म्ड। तो ये आप देखें कि आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस में ये मसला हो गया, ठीक है। और ये लॉन्ग साइटेडनेस में इसके बरक्स क्या हुआ कि जब लाइट स्ट्राइक की किसी ऑब्जेक्ट से तो वो आँख के अंदर दाखिल हुई, कॉर्निया से स्ट्राइक की, लेंस से स्ट्राइक की और फिर रेटिना को क्रॉस करते हुए बिहाइंड द रेटिना एक इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो इन दोनों सूरतों में हमारे पास रेटिना के ऊपर एक ब्लरी इमेज फॉर्म हो गया। लेकिन इसको करेक्ट कैसे किया जा रहा है, करेक्ट करने के लिए आप देखें ये नॉर्मल आपके पास जो नियर विजन है वो आपको दिखाई गई है जिसमें इमेज फॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए ये देखें हमने कनकेव लेंस ग्लासेस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये देखें आईज़ के अंदर कॉनकेव लेंस की ग्लासेस, ये कनकेव लेंस अंदर को गहरा है, ये पहनने से आप देखें इमेज फॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। और लॉन्ग साइटेडनेस में हमने कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है, देखें बाहर को निकला हुआ है ये लेंस, इसके इस्तेमाल करने से अगेन इमेज फॉर्म्ड एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी विच मुस्लिम साइंटिस्ट डिड अ ग्रेट जॉब इन ऑप्थमोलॉजी। लाइक अदर साइंटिफिक फील्ड, साइंस के दूसरे मैदानों की तरह, द अर्ली वर्क इन ऑप्टिक्स एंड ऑप्थमोलॉजी वॉज डन बाई मुस्लिम साइंटिस्ट। तो जितना भी आई से रिलेटेड और विजन से रिलेटेड काम था वो सारा मुसलमान साइंसदानों ने किया। इन द फील्ड ऑफ ऑप्थमोलॉजी एंड ऑप्टिक्स, आँख की मैदान में और विजन के मैदान में कुछ ऐसे नाम हैं हमारे पास, सम ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, कुछ ऐसे नाम हैं हमारे पास जिनको हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज, ऑन पेज 44 लेट अस रीड अबाउट इब्नुल हैथम। आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, सो लेट अस रीड इन डिटेल कि उन्होंने आई में क्या काम किया। हिज नेम वॉज अबू अली अल हसन इब्नुल हसन इब्नुल हैथम, उनका असल नाम जो था वो अबू अली अल हसन इब्नुल हैथम था। इन द वेस्ट मगरब में ही इज़ नोन एज अल हसन और अल हसन, मगरब में उनको अल हसन या अल हसन के नाम से याद किया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन बसरा इन 965 AD, वो 965 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, उन्हें जदीद ऑप्टिक्स का बानी भी कहा जाता है। फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल बुक, उनकी मुतासर कुन किताब की वजह से जो उन्होंने लिखी थी, एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ किताबुल मनाजिर, द बुक ऑफ ऑप्टिक्स, यानी मंजर मनाजिर की किताब। दिस बुक हैज़ 7 volumes, एक ह्यूज बुक है जिसकी 7 जिल्दें थी, एंड वॉज रिटन बिटवीन 1011 to 1021 AD, जो 1011 से लेकर 1021 ईस्वी के दरमियान में लिखी गई। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, इब्नुल हैतम ने तजर्बात किए इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑप्टिक्स, आई के मुख्तलिफ मैदानों में, इंक्लूडिंग लेंसेज, जिसमें उन्होंने लेंसेज पर तजर्बा किया, मिरर्स यानी शीशों पर तजर्बा किया, रिफ्रैक्शन यानी रोशनी शुआओं का इंतशार बताया, रिफ्लेक्शन यानी अक्सबंदी बताई, एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट और रोशनी का फैलाव मुख्तलिफ सिमतों में बताया। ही स्टडीड बायनोक्युलर विजन, उन्होंने दूरबीन से नज़ारे को भी अपनी स्टडीज़ के अंदर शामिल किया, एंड मून इल्यूजन्स, और चाँद के घटने बलने की बढ़ने की मंजिलों को भी उन्होंने स्टडी किया, एंड डिस्क्राइब द फिनिट स्पीड ऑफ लाइट। और इब्नुल हैतम ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने
रोशनी की रफ्तार बताई. ही पोस्टुलेटेड, उन्होंने मफरूज़ा कायम किया, दैट लाइट हैज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, कि रोशनी मुख्तलिफ ज़र्रात की बनी हुई है, ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, जो कि सीधी लाइन में सफ़र करती है. वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनल एनाटमी ऑफ द आई. उनका सबसे अहम काम जो था, उनके कामों में से एक और सबसे अहम काम जो था, वो ये था कि उन्होंने आई की इंटरनल मॉर्फोलॉजी और उसके इंटरनल काम बताए थे. यानी ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी बताई थी बल्कि फंक्शन भी बताया था आई का. ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन हु रिजेक्टेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ साइट. वो पहले शख्स थे जिन्होंने पुराना जो दक्यानुसी एक आँख के बारे में एक तसव्वुर था, दैट रेस कम्स आउट ऑफ द आईज टू सी, कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखों से शुआएँ निकलती हैं, उस चीज़ से टकराती हैं और हम देखने के काबिल आते हैं, काबिल हो जाते हैं. तो इस बात को इब्न अल हातिम ने बिल्कुल रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारी आँखों से शुआएँ नहीं निकलती, बल्कि उस चीज़ पर जब हम देखते हैं तो उस चीज़ से लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं हमारी आँख में और इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होती है. ही ऑल्सो मेड द फर्स्ट कैमरा. उन्होंने ही सबसे पहला कैमरा ईजाद किया, बनाया, जिसको पिन होल कैमरा कहा जाता है, द पिन होल कैमरा. सो नाउ स्टूडेंट्स, द अनदर नेम इन ऑप्थोमोलॉजी इज अली बिन ईसा. सो स्टूडेंट्स, अली बिन ईसा 940 to 1010 AD, अली बिन ईसा, जिनका टाइम पीरियड 940 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी तक है, वॉज एन एफ्रो अरब ऑप्थोमोलॉजिस्ट. वो एक अफ्रीकन अरब थे, यानी नीम अरब थे, और मायरे चश्म थे, एस्ट्रोनोमर, वो मायरे फल्कियात भी थे, एंड जियोग्राफर, और जोग्राफिया के भी माहिर थे. ही वॉज़ बॉर्न इन बगदाद. वो बगदाद में पैदा हुए, इराक में, एंड इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिशियन ऑफ 10th century, और 10वीं सदी के बहुत ही मशहूर मॉलेज जाने जाते थे. ही रोट द मोन्यूमेंटल बुक. उन्होंने एक अजीमुशान किताब लिखी, मोन्यूमेंटल मीन अजीमुशान. उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था, तश्कीरातुल खालैन, नोट बुक ऑफ ऑक्यूलिस्ट, यानी द बुक ऑफ ऑप्टिशियन, चश्म या आँखों से रिलेटेड किताब. द बुक इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशंस. ये किताब आमतौर ख़ास तौर पर उनके जो ज़ाती मुशाहिदात थे उस पर मुश्तमिल थी. द बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रीटमेंट एंड क्लासिफिकेशन. इस किताब में शामिल थी बहुत सारी मालूमात और इलाज, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवर 100 डिफरेंट आई डिजीज़, 100 से ज़्यादा आँख की बीमारी, यानी तकरीबन 130 आई डिजीज़ के बारे में उन्होंने क्लासीफाई किया था, उनकी दर्जाबंदी की थी और उनकी मुतालिक मालूमात दी थी और उनके इलाज बताए थे. दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन लैटिन इन 1497, 1497 ईस्वी में लातीनी ज़बान में इस किताब का, यानी तश्कीरातुल खालैन का, तर्जमा भी किया गया. आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद, इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. इसको इंग्लिश ज़बान में भी, अंग्रेज़ी ज़बान में भी इसका तर्जमा किया गया. द बुक वॉज वाइडली यूज बाई यूरोपियन फिजिशियंस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. और सैकड़ों सालों तक यूरोपी मालिक जो हैं वो इस किताब से इस्तफादा हासिल करते रहे और इसको पढ़ाते रहे. ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत कुछ फोटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा. नाउ लेट अस रीड अबाउट सोनो रिसेप्टर, यानी साउंड वेव रिसीव करने वाले ऑर्गन्स हमारे पास क्या हैं, ईयर्स उन्हें हम कहते हैं. साउंड वेव्स आर परसीव बाय सोनो रिसेप्टर्स. हम आवाज़ की लहरों को परसीव कर सकते हैं, उनको हम हासिल कर सकते हैं अपने सोनो रिसेप्टर्स, यानी उन सेंस ऑर्गन्स के जरिए से जो कि साउंड वेव्स रिसीव करते हैं. इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स, अ पेयर ऑफ ईयर इज़ यूज टू रिसीव साउंड वेव्स. इंसानों में और कुछ और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास, यानी बैकबोन वाले और एनिमल्स में, ईयर्स का जोड़ा होता है जो कि आवाज़ की लहरों को रिसीव करता है. ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंसानी कान को काम के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, यानी बैरूनी कान, दरमियाना कान और अंदरूनी कान. सबसे पहले हम जानते हैं एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना. एक्सटर्नल ईयर हमारे पास पिना या एक्सटर्नल कार्टिलेजनस पार्ट पे मुश्तमिल होता है, और ऑडिटरी कैनाल, उसके साथ ही एक कैनाल अंदर जा रही होती है जो कि साउंड वेव्स को अंदर लेकर जाती है. एक नाली सी अंदर जा रही होती है एक्सटर्नल ईयर के साथ, एंड ईयर ड्रम, टिम्पैनम जिसे हम बायो की ज़बान में कहते हैं, और कान का पर्दा. यानी एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास 3 चीज़ें शामिल हैं, एक कार्टिलेज का बना हुआ पिना बैरूनी, और एक ऑडिटरी कैनाल, एक नाली जो कि इस आवाज़ की लहरों को पिना ने जो कैच की होती हैं उनको लेकर वो अंदर लेकर जाती है कान के, और वो स्ट्राइक करती हैं कान के पर्दे से, जिसे हम बायो की ज़बान में टिम्पैनम और इंग्लिश में हम उसे ईयर ड्रम कहते हैं. द पिना और ईयर फ्लैप इज़ एक्सटर्नल कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर. कहते हैं पिना, जिसे हम ईयर फ्लैप भी कहते हैं, कान का फड़फड़ा हम कह सकते हैं, वो कार्टिलेज का बना होता है. कार्टिलेज आपको पता है एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, विच कलेक्ट साउंड वेव्स, जिसका काम होता है आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करना.
साउंड वेव्स देन ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल. जब पिना इन साउंड की वेव्स को कलेक्ट कर लेता है तो वो इसको दे देता है ऑडिटरी कैनाल के अंदर. उस नाली के अंदर वो ट्रैवल करती भी जाती हैं साउंड वेव्स, विच एंड्स एट द ईयर ड्रम, और जाकर वो टकराती हैं कान के पर्दे से, और यहीं पर बैरूनी कान का खात्मा हो जाता है. अब ईयर ड्रम क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन. ये एक झिल्लीदार एक ऑर्गन है विच सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडल ईयर. और ये एक हमारे पास वो पार्ट है जो कि बैरूनी कान को दरमियान वाले कान के हिस्से से अलहदा करता है, यानी एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करने वाला जो ऑर्गन है वो ईयर ड्रम है. नाउ लेट अस रीड अबाउट मिडल ईयर. नाउ कान का दरमियान वाला हिस्सा मिडल ईयर. हमारे पास एक्सटर्नल ईयर हमने पढ़ लिया, पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम पर मुश्तमिल है. अब मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ थ्री स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स. कहते हैं जो दरमियान वाला कान का हिस्सा तीन छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम मिलाकर ऑसिकल्स कहते हैं. दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स. इन हड्डियों के नाम हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स. दीज बोन्स आर द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं. दीज ऑसिकल्स आर अटैच टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन. ये एक दूसरे से जंजीर की तरह एक दूसरे से अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं ये तीनों हड्डियाँ. द मैलियस इज अटैच टू द ईयर ड्रम. मैलियस जो है वो कान के पर्दे से अटैच हुई हुई होती है. एंड द स्टेप्स इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया. जबकि स्टेप्स जो आखिरी बोन है वो हमारे पास अंदरूनी कान यानी कॉकलिया के साथ अटैच होती है, कॉकलिया की विंडो के साथ अटैच होती है. द ओवल विंडो सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर. और यही जो कॉकलिया है ये दरमियाने कान को अंदरूनी कान से जुदा करता है. अभी हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इनर ईयर में कि कॉकलिया असल में है क्या. साथ ही आपको एक ट्यूब नज़र आएगी यहाँ पे मिडल ईयर से बाहर जाती हुई अंदर की तरफ मूव करती हुई. अ यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स. कहते हैं कि हमारा ये जो दरमियाना कान है ये हमारे हलक से जाकर जुड़ा होता है एक ट्यूब से. वो ट्यूब क्या होती है? उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब. द यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स. यूस्टेशियन ट्यूब का काम होता है कि वो दरमियानी कान को हलक से मिला दे. द यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर बिटवीन द मिडल ईयर. इसका काम होता है कि ये हमारे पास प्रेशर को जो है बरकरार रखे मिडल ईयर और एनवायरनमेंट के दरमियान के प्रेशर को ये बरकरार रखने में मदद देती है. तो अगर हम कहें कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या है तो यूस्टेशियन ट्यूब इज़ एक्चुअली अ बोनी एंड कार्टिलेजनस ट्यूब connecting the middle ear with nasopharynx and equalizing air pressure on both sides of the tympanic membrane. यानी tympanic membrane जो कान का पर्दा है उसके बाहर और अंदर की तरफ दबाव को बरकरार रखने में यूस्टेशियन ट्यूब मदद देती है. Now let us talk about internal ear. Internal ear is a fluid filled chamber. ये एक फ्लूइड फिल्ड एक जगह होती है, चेंबर होता है, खाना होता है आफ्टर द ओवल विंडो जो कि कॉकलिया के बाद ओवल विंडो के बाद मौजूद होता है. इट कंटेन्स टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर दो बहुत अहम हिस्से होते हैं. दैट इज़ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड कॉकलिया. एक हमारे पास एक बल खाया हुआ ट्यूब्यूल होता है, कॉइल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल स्नेल शेल्स की तरह. जैसे आपने स्नेल के अंदर डिफरेंट सेल्स शेल्स देखे होंगे उस तरह का ये कॉकलिया होता है, बल खाया हुआ. एंड द सेट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल. अब इनर ईयर का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. कहते हैं इनर ईयर इज़ फ्लूइड फिल्ड चेंबर. इट कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स. वन इज़ कॉकलिया एंड सेकेंड इज सेमी सर्कुलर कैनाल. कॉकलिया क्या है? मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ अ हॉलो कॉइल स्नेल शेल लाइक ट्यूब दैट कंटेन्स नर्व एंडिंग्स टू कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन. हम इसी कॉकलिया को एक्चुअल ईयर भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से ऑडिटरी नर्व्स मैसेज लेकर ब्रेन तक जाती हैं. इसके अलावा हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं. सेमी सर्कुलर कैनाल्स असल में क्या हैं? दीज आर लूप शेप ट्यूबुलर पार्ट्स एसोसिएटेड विद बैलेंस ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम. ये हमारे पास लूप की शक्ल की ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉडी का तवाजुन बरकरार रखने में मदद देते हैं. द मिडल चेंबर ऑफ द कॉकलिया हैज़ हेयरिंग ऑपरेटस कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. अगर हम कॉकलिया के दरमियान में देखें तो हमें हेयरिंग ऑपरेटस या सुनने का जो है वो सामान नजर आएगा, उसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एपिथीलियल स्ट्रक्चर इन द कॉकलिया. कॉकलिया के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ हेयर सेल्स, जिसमें बहुत सारे हेयर लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, बाय विच साउंड वेव्स आर परसीव्ड एंड कन्वर्टेड टू नर्व इम्पल्स. यहाँ पे साउंड वेव रिसीव होती है और उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है. यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज़ द मिडल पार्ट ऑफ कॉकलिया विच कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्स यानी ऑडिटरी नर्व. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज.
ऑन पेज 45 हमें बता रहे हैं कि स्पेशल हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन ऑफ कॉल्टी, ये जो कॉकलिया कॉकलिया का दरमियान वाला हिस्सा है ऑर्गन ऑफ कॉल्टी, इसमें ख़ास किस्म के हेयर सेल्स मौजूद होते हैं विच आर रिसेप्टर्स ऑफ द रिसेप्टर सेल्स ऑफ द साउंड। यही सेल्स जो हैं असल में आवाज़ की लहरों को रिसीव करते हैं। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो लूप शेप स्ट्रक्चर्स हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इनका काम होता है कि ये इन ऑर्गन ऑफ कॉल्टी के साथ मिलकर हमारे जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखें, यानी कि जब हम कभी पहाड़ी इलाके में जाते हैं या कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमारा जो है सर चकराता है, वहाँ पे ये हमारे पास बॉडी का बैलेंस बरकरार रखने में मदद देते हैं। नाउ लुक एट द डायग्राम, आपको ये एक्सटर्नल ईयर पिना नज़र आ रहा है, ये देखें दिस इज़ एक्सटर्नल ईयर पिना, इसके अंदर ही आपको ऑडिटरी कैनाल जाती नज़र आ रही है, दिस इज़ ऑडिटरी कैनाल, और ये आपके पास जो है वो ईयर ड्रम है ब्लू कलर में कान का पर्दा। यानी ये तीन हिस्से जो आपने देखे ये एक्सटर्नल ईयर है। फिर आ जाए मिडल ईयर की तरफ, हमने कहा कि मिडल ईयर तीन बोन्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहली बोन ये देखें ये मैलियस है जो कि अटैच है ईयर ड्रम के साथ, और मैलियस इज़ हैमर लाइक हथौड़ा नुमा होती है, ठीक है। फिर आप देखें मैलियस के बिल्कुल साथ अटैच्ड है इनकस बोन जिसको हम एनविल बोन भी कहते हैं, और ये दरांती नुमा होती है घास काटने वाली दरांती की तरह। और इसके साथ आप देखें आपको स्टेप्स नज़र आ रही है, स्टेप्स जो है वो जाकर अटैच हुई हुई है एक ओवल विंडो के साथ, और ये ओवल विंडो किसकी है असल में, ये कॉकलिया की ओवल विंडो है। यानी ये ओवल विंडो जो है वो हमारे पास एंड ऑफ मिडल ईयर एंड स्टार्ट ऑफ इनर ईयर है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईयर ड्रम इज़ द एंड ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड स्टार्ट ऑफ मिडल ईयर। तो ये आपके पास ओवल विंडो से अटैच है। इसके साथ ही अगर आप कॉकलिया की ओर देखें तो ये स्नेल शेल की तरह के हॉलो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पूरे एरिया में फ्लूइड मौजूद होता है। ऊपर आपको थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं जो मैंने आपको कहा था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी का इक्विलिब्रियम बैलेंस कायम रखने में मदद देते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है आप देखें कि यहाँ पे आपको कॉकलिया के अंदर जो है वो नर्व फ्रॉम सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो निकल कर आ रही है, यहाँ से नर्व सेमी सर्कुलर कैनाल से ऑर्गन ऑफ कॉल्टी के अंदर आ रही है, और ऑर्गन ऑफ कॉल्टी उसको कन्वर्ट करके दे रहा है ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व जो है वो फिर ब्रेन तक ये मैसेज लेकर जा रही है, और ब्रेन आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपने कैसी आवाज़ सुनी है, श्रिल सुनी है या प्रेजेंट वॉइस सुनी है, दूर की आवाज़ सुनी है या नज़दीक की आवाज़ सुनी है, वट एवर वो आपको बताएगा। साथ ही आप ये देखें स्टेप्स बोन आपको मिडल ईयर की ये अटैच है, इसके साथ ये आपके पास इनर मोस्ट स्टिरअप लाइक बोन्स होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने मॉर्फोलॉजी देख ली ईयर की, लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, द आउटर ईयर रिसीव साउंड वेव्स, नंबर वन, सबसे पहले बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को रिसीव करता है एंड डायरेक्ट स्टेम टू द ईयर ड्रम, और उनको भेज देता है ईयर ड्रम के अंदर। नंबर टू, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा थरथराने लगता है, एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द ईयर ऑसिकल्स, और इनको मिडल ईयर ऑसिकल्स की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ पे तीन हड्डियाँ मौजूद हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स। यानी ये साउंड वेव्स जो ईयर ड्रम से टकराई थी अब वो इन तीनों हड्डियों से टकराती हैं और इनमें थरथराहट पैदा कर देती हैं, एंड टू द ओवल विंडो। अब जो स्टेप्स है वो अटैच है कॉकलिया की ओवल विंडो के साथ, तो ये थरथराती हुई ये साउंड वेव्स ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया तक पहुँच जाती हैं। फ्रॉम द ओवल विंडो, कॉकलिया की ओवल विंडो से द वाइब्रेशंस आर पास टू द कॉकलिया, अब ये कॉकलिया के अंदर दाखिल हो जाती हैं जहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉल्टी मौजूद है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस प्रेशर वेव्स, यहाँ पे जाकर ये वाइब्रेशन प्रेशर वेव्स में तब्दील हो जाती हैं फ्लूइड के अंदर दाखिल होने की वजह से, इन द फ्लूइड प्रेजेंट इन द चेंबर्स ऑफ कॉकलिया, क्योंकि वहाँ पे सारा लिक्विड मौजूद है वो इन साउंड वेव्स को प्रेशर की वाइब्रेशंस को प्रेशर वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। द वेव्स इन द फ्लूइड ऑफ द मिडल चेंबर कॉज बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स, इससे जो ऑर्गन ऑफ कॉल्टी में हेयर सेल्स मौजूद हैं स्पेशल हेयर सेल्स वो बेंड हो जाते हैं, पहले वो खड़े होते हैं लेकिन जब वहाँ पे प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती हैं तो वो हमारे पास बेंड होने लगते हैं इन द ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। द बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स जनरेट अ नर्व इम्पल्स, उनकी बेंडिंग या उनके मुड़ने की वजह से, हेयर सेल्स के मुड़ने की वजह से ऑर्गन ऑफ कॉल्टी में एक नर्व इम्पल्स या करंट वेव जनरेट होती है इन द एसोसिएटेड सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसरी न्यूरॉन या ऑडिटरी न्यूरॉन में दाखिल हो जाती है। दीज इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड, अब यहाँ से ये नर्व इम्पल्सेस या ऑडिटरी नर्व्स भेज दी जाती हैं वाया ऑडिटरी नर्व के जरिए से टू द सेरेब्रम, ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट या सेरेब्रम विच इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, उस तक। हेयर द इम्पल्सेस आर एनालाइज, यहाँ पे इन नर्व इम्पल्सेस का तज्जिया किया जाता है जो कि कान से आ रही हैं, एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड, और पहचाना जाता है कि आपने किस किस्म की आवाज़ सुनी थी।
कान का एक काम तो सुनना है, दूसरा काम उसका बैलेंस ऑफ द बॉडी है, जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि इक्विलिब्रियम बैलेंस भी ये करता है। द ईयर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस, कान आपका तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मदद देता है, ये मैं आपको पीछे मॉर्फोलॉजी में भी बता चुकी हूँ। दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म बाई 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन द ऑफ द इंटरनल ईयर, और ये बैलेंस का तवाज़ुन बरकरार रखने का काम करती हैं इनर ईयर की सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि आपके पास लूप शेप ट्यूबुलर पार्ट्स होती हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम को बैलेंस करती हैं। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, यहाँ पे सारा फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं और एंडोलिम्फ कहते हैं। देयर इनर वॉल्स हैव हेयर सेल्स एंड टाइनी पार्टिकल्स, यहीं पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर हमें जो है वो स्पेशल हेयर सेल्स और छोटे छोटे ज़रात नज़र आएंगे। व्हेन द हेड मूव्स, जब भी हम सर को हरकत देते हैं, द फ्लूइड इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स फ्लोज, तो ये फ्लूइड बहता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे के तौर पर द पार्टिकल्स आर पुश्ड, ये पार्टिकल्स जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर मौजूद हैं वो उनको धकेल देता है फ्लूइड, एंड सो द हेयर सेल्स बेंड, और यहाँ के बाल मुड़ जाते हैं। दिस बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स जनरेट नर्व इम्पल्स, इन हेयर्स के मुड़ने की वजह से एक इम्पल्स, ये करंट वेव जनरेट होती है इन द नर्व अटैच्ड विद द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, उन नर्व्स के अंदर जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ अटैच हैं, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई थी। द मैसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स इज सेंट टू द सेरिबेलम, अब ये जो पैगाम है इसको भेजा जाता है सेरिबेलम, जो कि पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद योर इक्विलिब्रियम बैलेंस, जब ब्रेन पढ़ा था तो आपको उस वक्त ये बात बताई गई थी। थ्रू द ऑडिटरी नर्व, यानी बैलेंस ऑफ द बॉडी जो है वो सेरिबेलम के साथ अटैच्ड एसोसिएटेड होती है, आई ईयर ईयर और ब्रेन की सेरिबेलम से राबता होता है आपके बॉडी का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, आपका दिमाग आपको बयान करके देता है द हेड्स मोशन, आपके सर की हरकत के बारे में, एंड ओरिएंटेशन, और वो जो हरकत जहाँ से जनरेट हुई थी उसके बारे में, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में, उसकी जो है वो, यानी वो हरकत किस जगह से प्रोड्यूस हुई थी उसके बारे में, एंड सेंड्स द प्रॉपर मैसेज, और फिर बाकायदा पैगाम भेजता है टू द मसल्स, आपकी बॉडी मसल्स को, टू मेंटेन बैलेंस, कि वो तवाज़ुन कायम करें और आपको गिरने लड़खड़ाने से बचाएं। स्टूडेंट्स टर्न द पेज, ऑन पेज 46 आप डायग्राम में देखें, हेड इज स्टिल, आपका सर जब साकत होता है तो क्या है आपके पास, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको नज़र आ रही हैं कान के अंदर, ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं और फ्लूइड नज़र आ रहे हैं और हेयर सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं और नर्व इम्पल्स जनरेट होती नज़र आ रही है। लेकिन इसके बरक्स जब हेड मूव्स, जब आप सर को हिलाते हैं, सर को घुमाते हैं नफ़ी में या मस्बत में, तो आपके पास फ्लूइड जो है वो फ्लो करके चला गया है इसी और इन्हीं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, पार्टिकल्स मूव होकर बेंड हुए हैं और उसकी वजह से आपके ब्रेन को मैसेज, ब्रेन आपको मैसेज दे देता है टू बैलेंस योर बॉडी। अब देख लेते हैं हमारे पास टाइम डिफरेंस बिटवीन सीइंग द फ्लैश ऑफ द लाइटिंग, जब बिजली चमकती है तो उसमें कितना टाइम लगता है, एंड हियरिंग ऑफ द रोर, और जो गरजना हम बिजली का की गरज जो होती है, बादल की गरज, उसको सुनने में हमारे पास थंडर स्टॉर्म तूफान के वक्त क्या डिफरेंस है टाइम का। द साउंड ऑफ थंडर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ साउंड, कहते हैं जो बादल का गरजना है उसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार के बराबर होती है। वाइल द लाइट फ्रॉम द फ्लैश ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, जबकि बिजली जब कड़कती है तो उसकी रफ्तार, बिजली कड़कने की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू द एयर, हवा में हमारी आवाज़ की रफ्तार 340 मीटर पर सेकेंड होती है। वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, जबकि लाइट की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार हवा में 300 मिलियन मीटर्स होती है एक सेकेंड में। ऑलमोस्ट अ मिलियन टाइम्स फास्टर, यानी हम कह सकते हैं आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स तेज़ होती है लाइट की रफ्तार। सो इफ़ यू वर 1500 मीटर्स अवे फ्रॉम द फ्लैश, तो अगर हम ये तसव्वुर करें कि आप 1500 मीटर दूर थे बिजली की चमक से, यू वुड सी इट अबाउट 5 मिलियंथ ऑफ द सेकेंड, आप इसको 5 मिलियन सेकेंड के एक हिस्से में देख पाएंगे आफ्टर इट एक्चुअली अकर्ड, यानी जब बिजली चमकी थी उसके 5 मिलियंथ वे सेकेंड में आप उसको देखने के काबिल हो जाते हैं। बट यू वुड नॉट हेयर द थंडर, लेकिन आप इतनी जल्दी गरज की आवाज़, बादल गरजने की आवाज़ नहीं सुन पाते अनटिल अबाउट 5 सेकेंड्स लेटर, यानी जब बादल गरजते हैं तो उसके 5 सेकेंड के बाद आप उसकी गरज को सुनने के काबिल होते हैं, लेकिन जब बिजली चमकती है तो आप उसको फौरन ही जो है वो सुनने के काबिल हो जाते हैं। यानी साबित ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। Okay students, thank you. This is it for today. Hope you will learn it properly, learn it by heart. Thank you. Next topic will be discussed in the next video. Stay home, stay safe, stay tuned. Allah Hafiz.